मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम टू दीपिका की दुनिया। सो आज मैं आप लोगों को कुछ डाइट फूड बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप जो भी खाना बताती हो, जो भी रेसिपी बताती हो, बहुत रिच होता है। और अभी वैसे भी मैंने भी ईद हो गई, राखी हो गई, मेरा बर्थडे हो गया, तो बहुत खा लिया है। अब वक्त है थोड़ा अच्छे से अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने का। सो आज मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ ब्राउन राइस विथ मूंग दाल पालक चिकन। और इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही हेल्दी मील है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप चिकन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सिर्फ पालक दाल भी बना के ब्राउन राइस के साथ खा सकते हैं। सो मैं जल्दी से आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। यहां मैंने लिया हुआ है 1 कटोरी ब्राउन राइस, ये मैंने एक फुल छोटा गड्डी पालक लिया है, उसको मैंने स्टेम को अलग कर लिया है। एंड ये दाल मैंने भिगो के रखी थी, ये मूंग की धुली हुई दाल है, इसको मैंने भिगो लिया था। 1 घंटा भी आप भिगो लेंगे तो काफी है। एंड मसाले हमें बिल्कुल भी ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ लहसुन के टुकड़े, नमक, जीरा मसाला एंड धनिया पाउडर, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो आप हल्दी ऐड कर सकते हैं। एज यूजुअल मैं यहाँ पे हल्दी रखना भूल गई, सो हम हल्दी डालेंगे। ओके, एंड ऑफकोर्स सम चिकन ब्रेस्ट। जब भी डाइट फूड होता है तो चिकन ब्रेस्ट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है, क्योंकि उनमें फैट बहुत कम होता है एंड इट्स प्योर मसल। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पालक चॉप कर ली है, लहसुन को छोटा छोटा काट लिया, आप इसे पीस भी सकते हैं, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मुझे पालक के साथ सिर्फ लहसुन ज्यादा बेटर लगता है। और जो चिकन है, मैंने पूरा 1/2 kg का पैकेट रखा था, उसका 1/4 मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है एंड उसको मैंने धो लिया है। एंड चावल को भी मैंने वॉश कर लिया है 2-3 बार अच्छे से। और उसके बाद ये मैंने यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रखा है, इसमें से आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें हल्की सी स्टीम निकल रही है। सो इस वक्त मैं चावल को इसमें डाल दूंगी। सो इसमें मैंने अभी नमक डाल दिया है और इसे हम बॉईल होने देंगे। ब्राउन राइस ज्यादा हेल्दी होते हैं, इसलिए कभी भी अगर आप डाइट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्राउन राइस ज्यादा बेटर होते हैं। एंड मैं हमेशा इसी तरह से पकाती हूँ, कुकर में मैंने ना कभी सुना है कोई पकाता है, ना मैं कभी पकाती हूँ। सो दिस इज बेटर कि इसको खूब सारे पानी में काफी देर तक आप पकाइए, इट टेक्स longer than the normal rice, much longer, and उसके बाद जो पानी है उसे ड्रेन कर दीजिए। अब हम साइड बाय साइड हमारा चिकन स्टार्ट करते हैं। सो ये मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग विदाउट ऑयल बना रहे हैं, तो नॉन स्टिक पैन जरूरी होगा इसमें। सो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी लहसुन, दाल। अब दाल आप अपने अंदाजे के हिसाब से कितनी भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 गड्डी पालक के लिए मैं ले रही हूं करीबन 3/4 कप, अगेन मेजरिंग कप, या एक छोटा कटोरी, 3/4 कप या एक छोटा कटोरी दाल। ये मैंने सिर्फ भिगोई है और अब मैं इसको लहसुन के साथ ड्राई रोस्ट करूंगी। तो ये जो डाइट आज जो मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ, ये इसमें हम बिल्कुल भी ऑयल यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी फैट यूज नहीं कर रहे हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। लेकिन बहुत तरीके की डाइट होती है, ये थोड़ी हेल्थ सेक्शन में आ गई है, ये क्रैश डाइट नहीं है। और वैसे भी प्लीज गाइज, खुद से बिना किसी डाइटिशियन के सुपरविजन के आप क्रैश डाइट मत कीजिएगा, बिकॉज हमारी बॉडी को जो बेसिक विटामिंस वगैरह की जरूरत होती है, अगर आप क्रैश डाइट पे जा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सप्लीमेंट्स हम लोग खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ हमें डॉक्टर्स बताते हैं तो लेने होते हैं। सो इसीलिए कभी भी खुद से कोई सप्लीमेंट मत लीजिएगा। जैसे कि ये देखिए, ये मैं अपने आप खुद से लेती हूँ, ये मैं हमेशा लेती हूँ, बिकॉज कोलाजन आपको हमेशा लेना चाहिए, इट इज वेरी गुड फॉर आपकी स्किन को मेंटेन करने के लिए, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड मैंने शायद कहीं पढ़ा था, इसलिए मुझे हल्का हल्का सा याद है कि 20 साल की उम्र के बाद ऑन एन एवरेज हर साल 1% कोलाजन आपकी स्किन से डिक्रीज होता चला जाता है, मतलब जो हमारा नेचुरल कोलाजन है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, हमारे बुढ़ापे में भी खूबसूरत दिखने के लिए, हमें
एक्सटर्नल कोलाजन की जरूरत पड़ती है। तो मैं इस बार ये ट्राई कर रही हूँ ओजीवा का प्लांट बेस्ड कोलाजन। मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि ये प्लांट बेस्ड है, सो यू नो जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी हैं उनके लिए ये बिल्कुल भी सेफ है, उनको कोई दिक्कत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं है इसमें। सो हाँ, चलते फिरते जब मन करे एक 200 ml ग्लास में एक स्कूप डालिए और पी जाइए, जैसे मैं अभी पी रही हूँ, मेरा मन किया कि मैं अभी पी लूँ। ओके, सो इसके अंदर एक स्कूप आता है, वो स्कूप फुल भर के आपको 200 ml पानी में, ठंडा पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, जैसा भी आपको अच्छा लगे, उसमें इसे अच्छे से मिक्स करके आप दिन में कभी भी इसे पी सकते हैं। थोड़ा सा खट्टा है पर ठीक है ना, अब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो ऐसा ही फ्लेवर आएगा एंड फायदा भी करेगा। एंड यू नो व्हाट, ये ओजीवा के प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया भी हैं। सो मैं अपना ये फिनिश करती हूँ जल्दी से एंड फिर हम कुकिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो ये राइस आप देख सकते हैं ये थोड़े अच्छी तरीके से पफ हो चुके हैं, तो अब भी मैं इसे सिम करके कम से कम 5 मिनट और छोड़ूंगी, तब तक हम हमारी जो दाल है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है, एकदम ड्राई हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी अपने सारे मसाले। सबसे पहले हल्दी, क्योंकि हल्दी हम कच्ची नहीं रख सकते, हमें हल्दी रोस्ट करनी होगी, तेल नहीं है तो ड्राई रोस्ट ही करेंगे हम। ये मैंने डाला है 1.5 teaspoon हल्दी, ये है जीरा पाउडर, ये मैं डालूंगी 2 teaspoon, और ये है धनिया पाउडर, ये भी मैं डालूंगी 2 teaspoon, एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट मैं डालूंगी 1 teaspoon, क्योंकि पालक एज अ सब्जी उसकी जो तासीर है वो बहुत नमकीन होती है, तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप पालक में पहले कम नमक डालें, बाद में आप टेस्ट करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं। अब ये मैं भून लूंगी, जस्ट मेक श्योर हल्दी कच्ची नहीं रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा ये थ्रू आउट अभी भून जाने के बाद आपको ये सिम पे रखना है, क्योंकि ऑयल नहीं है तो वो जलने के चांसेस है। ओके, दैट्स इट। अब मैं इसमें डालूंगी पालक एंड करीब 1/4 cup 1/4 cup पानी। अब हमें जब तक ये पानी पूरा सूख नहीं जाता है तब तक इसे पकाना है, थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि पालक सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हम अपना चिकन इसमें ऐड करेंगे। ओके, सो ये देखिए राइस जो है मैंने 5 मिनट और रखे थे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुके हैं एंड प्रॉपर कुक भी हो चुके हैं, ये देखिए। सो इसीलिए मैंने इसको छान लिया है और मैं इसे ऐसे रहने दूंगी, और ये ऑन दी अदर साइड पानी पूरा सूख गया है, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, ये देखिए प्रॉपरली पानी सूख चुका है, और अब मैं इसमें ये चिकन डाल दूंगी। आप चाहें तो चिकन पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं, अगर आपको चिकन नहीं खाना है टोटली योर चॉइस, चिकन जस्ट एड्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड जो लोग यूजुअली डाइट पे होते हैं नॉन वेजिटेरियंस उनके लिए चिकन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए मैंने चिकन डाला है। इसको थोड़ी देर के लिए मीडियम आंच पे ढक देंगे, बिकॉज चिकन का जो पानी निकलेगा उसमें थोड़ी देर कुक होने देंगे, देन वील डिसाइड हमें ऊपर से पानी डालना है या नहीं डालना। सो ये मैंने पूरा सूखा रोस्ट होने दिया था और उसके बाद मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है, ये वाला 1 कटोरी मीडियम कटोरी पानी डाला है ताकि जो दाल है वो भी अच्छी तरह से गल जाए, चिकन तो पकी गया था। सो अब इसे ढक के पकने देंगे और कुछ ही समय में ये रेडी हो जाएगा। ओके, सो ये डन है, आप देख सकते हैं जो दाल है वो भी पूरी तरह से गल चुकी है एंड द चिकन इज वेरी वेल कुक्ड। So this is done. अगर आपको इसे और ग्रेवी वाला बनाना है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं, बट दिस इज जस्ट परफेक्ट, वरना फ्लेवर्स नहीं मिलते। सो अब हम ये खाएंगे और इसके साथ आप
आप कर्ड ले सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, इसे आप चाहे तो बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। सो मैं ब्राउन राइस के साथ खाऊंगी। जब हम डाइट करते हैं तो सबसे बड़ी चीज होती है अलोंग विथ ईटिंग द राइट फूड इज हाउ मच यू ईट। आप ऐसे प्लेट भर भर के अगर डाइट फूड भी खाएंगे तो वो भी सही नहीं है, तो राइट क्वांटिटी में खाना होता है। सो इसीलिए दैट्स ऑल द मील एक बार का। नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि आप जब दोनों पाम्स मिलाते हैं तो ये जितना साइज है इतनी आपकी डाइट होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज योर स्टमक साइज। तो एक बार में आपको इतना ही खाना खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लेके खाना खाओ, बट एक अंदाजे से ये देखो। हाँ तो ऑब्वियसली जब मैं चीट करती हूँ तब तो मैं सब खाऊंगी ना। इधर आओ, चलो टेस्ट करो, फुलफिल योर ड्यूटी। अभी गए देखो, ये इनका बहुत फेवरेट खाना है। नहीं गरम है, देखो मुंह जल जाएगा, फिर मुझे ही बोलोगे। बनाए, चलो अभी आई गया तो खत्म कर दो मेरा वीडियो। मैंने बहुत अच्छे से डाइट फूड बताया, बताओ ये खा खा के आपको कितना फायदा हुआ है। इनकी एसएसके की फोटो गूगल करो, फिर आपको पता चलेगा कितना फायदा हुआ है। खा लो खा लो। जितना फायदा हुआ है उतनी मुश्किलें भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कैसे कैसे खाने बनते हैं, कभी पिज्जा बनता है, कभी क्या क्या आप बनाती हैं। तो बट हाँ, जब डाइट का होता है तो वो अच्छा होता है, और जब नॉर्मली हम चीट करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो लाप दे दो, मैं खा लूं। हाँ तो बोलो तो सही, खत्म तो करो वीडियो। अच्छा तो एज यूजुअल इनका, हाँ तुम बोलो ना, मैं क्या बोलूं, तुम बोलो। बहुत यम बना है, बिल्कुल भी किसी चीज की सॉरी कमी महसूस नहीं होती। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको डाइट के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और हमारे घर में तीन चैनल्स हैं, तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ठीक है, लव यू ऑल, बाय।